सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि शिंदे की बैठक हो रही है और थोड़ी देर में बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे यह बैठक करने वाले हैं। बागी विधायकों के साथ आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर करेंगे चर्चा और थोड़ी देर में विधायकों के साथ यह बैठक होगी। बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। गुवाहाटी में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी गजानन। गजानन, अब इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई और इस फैसले पर सबकी नजर, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे और बागी विधायक। जी हाँ, बागी विधायकों की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। इस बैठक में सबसे पहले तो सभी विधायक एक साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में से जो भी नतीजा आएगा उस पर चर्चा होगी विस्तार से। और अभी 10 बजे तकरीबन ये बैठक शुरू होगी, उसमें बागी विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। ये रिजल्ट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आने के बाद 2 बजे और एक बैठक बुलाई गई है, उसमें सत्ता स्थापन करने का दावा जो है महाराष्ट्र में उस पर भी चर्चा होगी और निर्णय होगा। क्योंकि जिस कारण से ये सभी विधायक शिवसेना से टूट के बगावत की और यहाँ गुवाहाटी में आके बैठे, एक एक विधायक अभी भी आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा शिंदे कैंप के फेवर में आता है तो कहा जाता है कि 2-3 विधायक और इनके कैंप में जुड़ने की आशंका है। तो 2 बजे और एक बैठक है, अभी 10 बजे एक बैठक शुरू होगी। बैठक में ये पहले तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई देखी जाएगी, उसमें सभी विधायक एक साथ बैठकर देखेंगे उसके लिए क्या फैसला लिया जाता है, इस पर नजर है। साथ ही कोर्ट का जब हो गया है तो उसके बाद कोर्ट किस तरीके से मामले पर संज्ञान लेता है, इस पर आपसे और अपडेट लें। उससे पहले बता दें इस वक्त हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट जस्टिस सतीश चंद्रा जुड़ चुके हैं, साथ ही सीनियर वकील विकास गुप्ता भी हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव उनियाल भी हमारे साथ हैं। जस्टिस सतीश चंद्रा जी, मेरा सवाल यह है कि संवैधानिक पहलू अगर हम इसके समझने की कोशिश करें तो आखिर है क्या? सभी विकल्पों पर विचार जरूर किया जा रहा है, लेकिन क्या यह भी एक हकीकत है कि शिंदे गुट के विधायकों की विधायकी खतरे में है? संवैधानिक पोजीशन तो बहुत क्लियर है एसआर मुंबई केस के बाद, जो कुछ होना है फ्लोर टेस्टिंग पर ही होना है। और मेरे विचार है सुप्रीम कोर्ट भी आज यही कहेगा कि आपको फ्लोरिंग टेस्टिंग करानी है और जो फ्लोर टेस्टिंग आ जाएगा उसके बाद जो चाहे ये करें। तो बहुत क्लियर कहते हैं इसके अंदर केस है। नहीं, जस्टिस सतीश चंद्रा, अगर डेप्टी स्पीकर का जो नोटिस है, क्योंकि देखिए जो विधायक बागी हुए हैं उन्हें अयोग्य ठहराया जाए, इसे लेकर एक तरह से कार्रवाई की शुरुआत तो वो कर चुके हैं, क्या कोई सूरत हाल ऐसा बनता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इन बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाए ताकि वो वोटिंग ही ना कर पाए? मेरे विचार से तो जो है मैटर सब जूडिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है, जबकि उसकी खुद की अपने डिप्टी स्पीकर की जो है कंटिन्यूटी जो है चैलेंज की गई है, तो उनको मेरे विचार से कोई राइट नहीं, मतलब क्यों, ही डिस्प्यूटेड पर्सन। ठीक है, विकास गुप्ता जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं, क्या कहीं कोई सूरत हाल ऐसी है? क्योंकि देखिए एसआर बोमई केस में जो फैसला आया वो तो नजीर बन गया, फ्लोर टेस्ट में ही आपको बहुमत साबित करना होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले क्या डेप्टी स्पीकर के नोटिस पर एक्शन लिया जा सकता है? हाँ समीर, अगर किहोटो की 1992 की जजमेंट देखी जाए तो उसमें कहा है कि स्पीकर के डिसीशन से पहले जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, फ्लोर टेस्ट की भी बात कर सकती है, लेकिन जो उनकी पिटिशन है, जो वो चैलेंज कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर के नोटिस को, जब अगर चैलेंज किया जाए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि पहले डिप्टी स्पीकर को अपना ऑर्डर या अपना जजमेंट सुनाने दीजिए और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए। और एक बात और हो सकती है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में जब एमएलए 2019 की जब ये वाक्या है, तब जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आने की जगह हाई कोर्ट भी जाएं, तो काफी सारे समापेक्ष बन सकते हैं। फ्लोर टेस्ट की भी बात की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप पहले जाकर के हाई कोर्ट में का दरवाजा खटखटाइए, जो आपका पहला अधिकार है सुप्रीम कोर्ट आने की जगह। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि पहले ये प्रीमेच्योर पिटिशन है उनमें किन तमाम परिस्थितियों को लेकर ये सभी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कई अहम बैठक इस वक्त मुंबई में भी हो रही है।